करीब 16 साल पहले ताहिरपुर में 153 करोड़ की लागत से बने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन दिनों खुद बदहाली का शिकार है। कई विभागों में स्टाफ की कमी होने से मरीज बेहाल है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में इस अस्पताल में 200 नए बेड का उद्घाटन किया था, लेकिन एक RTI से खुलासा हुआ है कि इस अस्पताल में 88% स्टाफ की कमी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा जो है तैयार की गई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ सुविधा के नाम पे कोई भी काम नहीं है। और जब RTI का जवाब मिला तो बेहद ही चौंकाने वाला, जहाँ लगभग 88% जो है स्टाफ नदारद है। जो सुविधाओं के नाम पे ये दावा करने की बात करते हैं, जनता को सुविधा देने की बात करते हैं, उसमें पूरी तरह से फेल दिखाई देते हैं। अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी स्टाफ की कमी को स्वीकार करती। उनके मुताबिक दिल्ली सरकार की आधिकारिक एजेंसियों की मदद से स्टाफ की कमी को पूरा किया जाता है। लगभग कुल मिलाकर 300 की संख्या हमारे पास है इस वक्त स्टाफ की, जो इन पेशेंट्स को सुविधाएं मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्रंच है हमारे यहाँ पे, वो मैं कहूँगी कि डॉक्टर्स का है, सुपर स्पेशलिस्ट का है। आज कल में मैं ये कहूँगी कि सुपर स्पेशलिस्ट, अगर आप जानते हैं तो प्राइवेट वगैरह हॉस्पिटल्स में और बाकी हॉस्पिटल्स में काफ़ी अच्छी उन्हें सैलरी और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा हायरिंग में हमें दिक्कत आती है। दिल्ली सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए बढ़ चढ़ कर दावे करने से नहीं चूकती, लेकिन यहाँ आने वाले मरीज और तीमारदारों का कहना है कि स्टाफ की कमी से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर दवाइयों की भी बहुत शॉर्ट है। अगर दवाइयों के लिए पर्चा देते हैं तो उसके अंदर कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ दवाइयाँ रह जाती हैं। और थायराइड की दवा के लिए करीब तीसरी बार चक्कर लगा रहा हूँ, फिर देखता हूँ लाइन में लग के, शायद हो सकता है आपकी बार मिल जाए। बस यही है, हमें तो धक्के खाने पड़ रहे हैं। रोज़ आते हैं, रोज़ चले जाते हैं। कभी सोमवार को आना तो कभी शुक्रवार को आना, फिर कभी सोमवार को कभी शुक्रवार को। मेरे को चार महीने हो गए लगभग, और 4 महीने से डॉक्टर तो काफ़ी हैं, तो भी वो कहते हैं कि हमारे सीनियर नहीं है, वो कहते हैं हमारे सीनियर नहीं है, इमरजेंसी को बोल रखा, इमरजेंसी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि GTB जाओ। जब दिल्ली सरकार का स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही बद इंतजामी का शिकार हो तो सरकार के दावे की सच्चाई का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जो कि RTI के जरिए सामने नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टाफ की भारी कमी जो है वो हॉस्पिटल झेल रहा है, उससे यहाँ आने वाले जो हजारों पेशेंट हैं उनको रोजाना इस परेशानी से सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है।